डीआरडीओ सेप्टम 10 एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट लगातार सभी स्टूडेंट्स जितने भी हैं सभी टाइपिंग से रिलेटेड डाउट जो है वो पूछ रहे हैं। स्टार्टिंग में तो वैसा मुझे पता था कि भाई सीबीटी अभी हो रहा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने पूछना चालू किया तो यार मुझे लगा कि दोनों साथ ही में है क्या, फिर बाद में स्टूडेंट्स ने आप सभी ने क्लियर किया, सो ऑल ऑफ यू थैंक यू। तो अभी यहाँ पे टाइपिंग से रिलेटेड जो आपके बेसिक बेसिक जो आपके कन्फ्यूजन है, जैसे आपका टाइपिंग कब होगा, कितना टाइम मिलेगा, साथ ही आपका जो रिजल्ट है वो आपका कब तक आएगा, और आपके टाइपिंग में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस, मिस्टेक्स, सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, तो बेसिक बेसिक चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहली चीज़ तो आपको पता होगा कि यहाँ पे टाइपिंग जो है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हिंदी, चाहे आपका स्टोर असिस्टेंट हो, ठीक है, इवन आपका जो भी आपका इंग्लिश और हिंदी के लिए अलग अलग आपका दिया गया है, टाइपिंग में भी आपका जो स्पीड का जो डिफरेंस है वो भी आपको दिया गया होगा, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले कहना चाहूँगा कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट है उसके लिए आपको आराम से 2 से 2.5 महीने का आपको जो टाइम है वो आपको मिलेगा, ठीक है। जिस हिसाब से डीआरडीओ ने टेक्नीशियन का एग्ज़ाम फटाफट कराया और इसका एग्ज़ाम में काफ़ी डिले भी किया है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो आपका जो टाइपिंग है वो आपका जून लास्ट तक आपका हो सकता है। तो ऐसे में आपको अभी पूरा टाइम है, 2 महीने का तो टाइम आपके पास है, अप्रैल और मई का, और लगभग 2.5 महीने के पास जैसा मैंने आपको बोला, और इसका जो रिजल्ट है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई अप्रैल लास्ट तक इसका जो रिजल्ट है वो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ ये दिमाग में रखना है कि मिनिमम अगर आप अभी से ही बिगनर हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो मिनिमम 2 से 2.5 घंटे का टाइम ऑनेस्टली आपको डेली टाइपिंग करके देने आए, ठीक है। दूसरा, अगर आप ऑलरेडी टाइपिंग कर चुके हो तो अगर आप डेली 1 से 1.5 घंटा भी अगर आप अपनी टाइपिंग में दे रहे हो सफिशियंट है, और किस तरीके से आपको करना है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि भाई होगा क्या कि आपको डेली सिर्फ 10 मिनट का एक सेट लगाना है, 10 मिनट के डेली नहीं लगाने, 10 मिनट का सिर्फ दिन में एक ही आपको लगाना है जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो, और बाकी टाइम पे क्या करना है कि आपको टाइप करना है, और कैसे टाइप करना है, आप चाहो तो स्क्रीन टू स्क्रीन कर सकते हो, बुक टू स्क्रीन कर सकते हो, जैसा भी आपको कम्फर्ट लगे, ठीक है। स्क्रीन टू स्क्रीन में बहुत ज़्यादा कम्फर्ट होता है तो वो भी आप कर सकते हो, स्क्रीन टू स्क्रीन टाइप कर सकते हो, और स्क्रीन टू स्क्रीन में आप टाइप करते रहो, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं, आप 45 मिनट आपको लगातार कंटिन्यूअस टाइपिंग करनी है, कोई टाइम नहीं, कोई कुछ नहीं, बस टाइपिंग करते रहो, क्योंकि वो जो टाइप कर रहे होते हैं ना उससे क्या होता है कि आपकी जो की जो होती है ना वो आपकी फीड हो रही होती है, यहाँ पे हाथ बिल्कुल फीड हो रहे होते हैं, ठीक है। तो वो आप कंटिन्यूस आपको करना है, और 10 मिनट के पास एक टेस्ट आपको सिर्फ दिन में एक ही बार देना है, ठीक है। बाकी एग्जाम जब आपका टाइपिंग टेस्ट होगा उस टाइम पे क्या 15 दिन पहले क्या करना है वो भी मैं आपको अलग से स्ट्रेटेजी बता दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे कर लेना। बैक स्पेस अलाउड है, टैप की अलाउड है, सारी आपकी जो एरो की भी आपकी पूरी काम करेंगी, ठीक है। अब टाइपिंग टेस्ट का जो मैटर है वो भी मैं आपको दे देता हूँ। देखो टाइपिंग टेस्ट का जो आपका कॉन्सेप्ट होता है हर पर्टिकुलर एग्जाम में उसका ये रहता है कि जितने भी वर्ड होते हैं ना उनका जो 10% अगर आप निकालोगे तो उतने वर्ड आपके ट्रिपल दिए जाएंगे। अब ट्रिपल क्या होता है, ट्रिपल ये होता है कि वर्ड आपके लेंदी होते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव, अब एडमिनिस्ट्रेटिव आपका कह दिया गया तो ये तो आपका काफ़ी लंबा हो गया, ज्यूरिसडिक्शन आपका दे दिया गया, ठीक है, ये भी आपका लंबा वर्ड हो गया। तो इस तरीके से जो आपके वर्ड होते हैं वो आपके 30 से 35 वर्ड जो होते हैं वो आपके आपके पैसेज में आपके रखे जाते हैं, और उन्हीं वर्ड में लगातार जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो लगभग लगभग गलती करते हैं। तो जब भी कभी लंबा वर्ड आए ना तो उसको थोड़ा सा आप इतनी स्पीड डाउन करके अच्छे से उसको लिख लो, उसके बाद फिर अपना स्पीड कंटिन्यू कर लो, क्योंकि बाकी आपके वर्ड आपके नॉर्मल होते हैं, कॉमन होते हैं, हर भी किसी भी आप डिक्टेशन या स्पीच में आप टाइपिंग उसमें देखोगे, ठीक है, मैटर में आप देखोगे। तो इन वर्ड की कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की, और जब भी आप टाइप कर रहे हो तो इन वर्ड पर ज़्यादा फोकस करो, ठीक है, ये वर्ड गलत होने, क्योंकि एक भी उसमें मिस्टेक हुआ तो काउंट हो जाती है। अब एक चीज़ दिमाग में रखना कि टाइपिंग टेस्ट में भी यहाँ पर क्या होता है कि वो लोग हाफ और आपकी फुल मिस्टेक काउंट करते हैं, ठीक है, डीआरडीओ में। तो यहाँ पर अगर आपका वर्ड में कुछ भी 1-2 अल्फाबेट गलत भी होता है, मिसिंग भी होता है, तो वो हाफ मिस्टेक में आपका कंसिडर किया जाता है। तो ये थोड़ा आपके लिए बेनिफिट यहाँ पे आपको अलग से मिल जाता है टाइपिंग टेस्ट में, ठीक है। और दिमाग में एक चीज़ रखना कि आपकी जो स्पीड है वो आपकी 35 वर्ड पर मिनट होनी ही होनी चाहिए, अगर वो स्पीड नहीं है तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, ये दिमाग में बस रखना, ठीक है। बाकी एक्यूरेसी वगैरह आपकी रहती हैं, 5% आपकी रहती हैं जनरल कैटेगरी के लिए, और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी के लिए 7% आपकी जो है वो आप सभी की रहती हैं, ठीक है।
ये चीज़ आप अच्छे से दिमाग में रख लो। बाकी जैसा जो भी आपके मन में डाउट है, आप इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक आप सभी को दिया गया है।